ये राजपुरा जम्मू में वाटर प्रूफिंग की जा रही है। वाटर प्रूफिंग से पहले जे तार ब्रश से सफाई की जाती है अच्छे तरह से। हमने कुछ जगह देखा कि कई लोगों का छत लीक हो जाता है और लोग लीकेज को रोकने के लिए टाइल लगाते हैं। याद रहे कि टाइल कभी भी पानी को नहीं रोकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका छत दो तीन जगह से लीक करे, जब टाइल लगा दोगे तो पाँच छः जगह से छत लीक करना लग जाएगा। तो छत पर कभी भी टाइल ना लगाएं, क्योंकि जब टाइल लग जाती है तो टाइल के नीचे पानी जाता है और छत को धूप नहीं लगती। जब धूप नहीं लगती तो 15-15 दिन पानी टाइल के नीचे खड़ा रहता है। तो देखिए, जब लेंटर पे 15-15 दिन पानी खड़ा रहेगा, नहीं सूखेगा, तो लेंटर जो अच्छा वाला लेंटर है वो भी लीक होना शुरू हो जाएगा। तो यही वजह होती है कि जब आप छत पर टाइल लगाते हो तो छत की लीकेज बढ़ जाती है। जब टाइल लगाने से अच्छा वाला छत भी लीक हो सकता है। तो इसलिए अगर छत आपका लीक है तो कभी भी टाइल ना लगाएं। टाइल लगाने से आपका और ख़र्चा बढ़ जाएगा और जब बाद में दिक्कत आएगी तो टाइल उठा के फिर वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी।